हाँ तो बच्चों, आप लोगों ने हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा होगा इलेक्ट्रीशियन थ्योरी जो पहला चैप्टर इसमें था वो था आपका सुरक्षा सावधानियां। इसके बारे में हमने पढ़ाया था। तो सुरक्षा सावधानियां में हम दूसरा पार्ट ये वीडियो बनाए हैं। इसमें अगला हेडिंग जो आप लोगों का था वो है सुरक्षा संकेत। इसमें सुरक्षा संकेत अगला हेडिंग है बच्चों, यानी कि जो संकेत लगा होता है, सांकेतिक चिन्ह जो बने होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में है सुरक्षा संकेत में। प्रशिक्षण काल में ही कारीगर को कारखानों में सुरक्षा के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों, नियमों तथा उपायों की जानकारी दी जाती है। विभिन्न मशीनों पर तथा स्टोरों आदि की दीवारों पर विभिन्न निर्देश संकेतों के रूप में लगाए जाते हैं। यानी जब भी कोई मजदूर या कोई भी कार्यशाला में कार्य करता है तो अलग अलग मशीनों पे या अलग अलग जगह पे संकेत लगाए गए होते हैं। उन संकेतों को कई भागों में बांटा गया है, उन संकेत को कई भागों में बांटा गया है। जैसे पहला इसमें होता है बच्चों निषेधात्मक संकेत। निषेधात्मक संकेत बोलते हैं, निषेधात्मक संकेत। निषेधात्मक संकेत क्रम वृत्त के आकार में यह संकेत लाल रंग या फिर आपका जो बॉर्डर इसका होता है वो क्रॉस बार और सफेद ग्राउंड पर काली आकृति द्वारा बनाया जाता है। जो निषेधात्मक संकेत होता है बच्चों वो आपका लाल रंग का होता है बॉर्डर, क्रॉस बार जो होता है वो होता है सफेद रंग का। कराए कि इनके द्वारा किसी प्रकार के कार्य करने को मना यानी निषिद्ध किया जाता है। ये प्रोहिबिशन सिस्टम सिंबल कहा जाता है, यानी आपको कहते वर्जित। निषेध का मतलब क्या है कि वर्जित, यानी जहां पे आपको कोई कार्य करना वर्जित हो, मना हो, वो संकेत आपके निषेधात्मक संकेत में आते हैं। ये जो संकेत होते हैं इसको लाल रंग के बॉर्डर तथा सफेद रंग के क्रॉस बार पर बनाया जाता है बच्चों। अगला दिया है अनिवार्य सकारात्मक संकेत। अनिवार्य ये पहला है बच्चों, ये पहला है। दूसरा होता है अनिवार्य सांकेतिकता संकेतात्मक संकेत। इसको मंडेटरी बोलते हैं बच्चों, सॉरी संकेतात्मक नहीं सकारात्मक है बच्चों, सकारात्मक अनिवार्य या फिर सकारात्मक। अनिवार्य या फिर सकारात्मक संकेत। दूसरा ये संकेत जो होते हैं बच्चों कारीगरों को सुरक्षात्मक निर्देश दिए जाते हैं इन संकेतों के द्वारा। कारीगर इन संकेतों को सहज समझ लेते हैं, यानी कारीगर जो है इस संकेत को आसानी से समझ लेते हैं। ये संकेत नीली पृष्ठभूमि पर सफेद संकेतों द्वारा पृष्ठ के आकार में बने होते हैं। जो अनिवार्य या सकारात्मक संकेत होते हैं बच्चों वो आपका वृत्त में नीले पट्टी पर कराए पृष्ठभूमि पर, यानी जिसका बैकग्राउंड जो होता है वो होता है नीला, नीला बैकग्राउंड होता है बच्चों इसका, और सफेद संकेत द्वारा वृत्त पर बनाया गया होता है। इसमें जैसे होता है बीएस हेड प्रोटेक्शन के लिए बच्चों एक कैप नुमा सर पे रखा होता है, इसी तरह से और आपका है वियर फुट प्रोटेक्शन पैर में जूता पहनने के लिए। ये जो संकेत होते हैं वो आपके आते हैं सकारात्मक या फिर अनिवार्य संकेत के अंतर्गत। ये दूसरा है बच्चों। और तीसरा संकेत है चेतावनी संकेत। चेतावनी संकेत
यानी किसी कार्य को जब आप करने जाते हैं उसके पहले चेतावनी जो देता है, चेतावनी के लिए दिया गया संकेत जो होता है वो होता है चेतावनी संकेत। चेतावनी संकेत, चेतावनी संकेत से रहा बच्चों, ये संकेत त्रिभुजा काल में पीली पृष्ठभूमि पर काले रंग काले चित्र बनाकर प्रदर्शित किए जाते हैं। जो आपका चेतावनी संकेत बच्चों, आपने पिछले दोनों संकेत देखे निषेधात्मक और जो सकारात्मक या अनिवार्य संकेत थे वो वृत्त में बनते हैं, जबकि आपका जो चेतावनी संकेत है उसको त्रिभुज में बनाया जाता है, उसका जो आकार होता है बच्चों वो होता है त्रिभुज नुमा। और ये दोनों जो होते हैं बच्चों वो सर्किल में बने होते हैं, ये दोनों ऊपर के सर्किल में बनते हैं बच्चों, और जो चेतावनी संकेत होता है वो त्रिभुज में बनता है। और इसका बता रहे पृष्ठभूमि होता है वो पीला रंग होता है और काले चित्र से बनाया जाता है, काले रंग के चित्र से ये बनाया जाता है। फिर आपका एक और इसमें दिया हुआ बच्चों चौथा नंबर सूचनात्मक। सूचनात्मक संकेत का मतलब क्या है, आपका जो सूचना आपको देता है किसी चीज की सूचना के लिए सूचनात्मक, सूचनात्मक संकेत, सूचनात्मक संकेत है बच्चों। सूचनात्मक संकेत करा ये संकेत वर्णाकार होते हैं, यानी जो सूचनात्मक संकेत होते हैं बच्चों वो आपके होते हैं वर्णाकार, वर्ग में बनते हैं। सूचनात्मक संकेत आपका वर्ग में बनते हैं। करा इन वृत्तों की जो पृष्ठभूमि होती है वो होती सफेद रंग की, इसका जो बैकग्राउंड होता है बच्चों वो होता है सफेद रंग का बैकग्राउंड होता है सुरक्षात्मक संकेत का बच्चों। जैसे एग्जिट होता है, एग्जिट कहीं लिखा हुआ है तो वो आपका वर्ग में जैसे बना के यहाँ पे EXIT इस तरह से एग्जिट लिखा होता है। अब अगला इसमें जो हेडिंग है बच्चों वो आप लोगों का है प्राथमिक उपचार, यानी अगर किसी को करंट मार दिया है, किसी को बिजली का झटका लग गया है तो उसमें प्राथमिक उपचार क्या क्या करना चाहिए, कैसे आपको प्राथमिक उपचार करना है उसके बारे में। क्या किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का डॉक्टर के आगमन से पूर्व किए जाने वाला उपचार जो होता है उसको प्राथमिक उपचार है। जैसे किसी भी आदमी या किसी भी मानव को अगर आपको बिजली का झटका दे दिया है, बिजली का झटका उसको लग गया है, तो डॉक्टर को आने से पहले हम जो भी उपाय से उसको बचाने की कोशिश करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है बच्चों, प्राथमिक उपचार कहलाता है, वो हमारा कहलाता है प्राथमिक उपचार। तो प्राथमिक उपचार में जैसे हम क्या क्या क्रियाएं करते हैं वो है, पहला पीड़ित के चारों ओर से भीड़ हटा दें जिससे कि उसे स्वच्छ वायु मिले, यानी जो भी पीड़ित है जिसको करंट मारा, जिसको झटका मारा है उसके चारों तरफ से हमें भीड़ को हटा देना चाहिए जिससे कि उसको स्वच्छ आयु मिले। स्वच्छ वायु जब उसको मिलेगी तो वो सांस अच्छे तरीके से ले सकेगा। अगला है फिर कि पीड़ित के मुंह से नकली दांत पान तंबाकू आदि निकाल दें जिससे कि उसे श्वास लेने में कठिनाई न हो। तो हमने अभी पिछले में ही बता दिया बच्चों कि अगर मान लीजिए स्वच्छ वायु की जरूरत क्यों है, क्योंकि श्वास अच्छे तरीके से ले ले, इसलिए पीड़ित के मुंह में अगर पान है, गुटखा है या नकली दांत है तो उसको हमें निकाल देना चाहिए जिससे कि पीड़ित व्यक्ति जो है वो अच्छे से सांस ले सके। फिर आपका है अगला कि पीड़ित के छालों अथवा जले अंगों को स्वच्छ कपड़े अथवा कागज से ढक दें जिससे कि उन पर मक्खी मच्छर आदि न बैठे। देखिए बच्चों इसमें क्या कह रहा है कि जब पीड़ित कुछ बिजली का झटका किसी को लगा है, उसका अगर मान लीजिए कहीं पे जल गया, शरीर के किसी भाग में वो जल गया है, तो उस भाग को हमें किसी भी रुई से या कपड़े से हमें
ढक देना चाहिए, स्वच्छ कपड़ा हो उससे हमें ढक देना चाहिए, जिससे कि उस घाव पे मक्खी मच्छर न बैठने पाए, जिससे घाव आसानी से जल्दी सूखता है बच्चों। नेक्स्ट है कि पीड़ित यदि कमरे में हो तो खिड़की दरवाजे आदि खोल दें, जिससे कि स्वच्छ वायु का निर्बाध आवागमन हो सके। इसका मतलब है कि अगर पीड़ित किसी रूम में है बच्चों, किसी कमरे में है, तो उस कमरे का जो खिड़की है दरवाजा है उसको खोल देना चाहिए, जिससे कि पीड़ित को शुद्ध वायु मिल सके, अच्छी तरीके से वह श्वास ले सके। फिर अगला है बच्चों कि पीड़ित को यदि श्वास लेने में कठिनाई प्रतीत होती हो तो कृत्रिम श्वास क्रिया प्रारंभ होते हैं। कराए कि अगर पीड़ित को सांस लेने में कोई दिक्कत होती है तो पीड़ित को कृत्रिम श्वास देना चाहिए। अभी बताते हैं बच्चों हम कि कृत्रिम श्वास कैसे या किस प्रकार से आप दे सकते हैं, इसके बारे में भी हम बताते हैं। कृपया पीड़ित को सर्दी के मौसम में सर्दी से बचाएं और उसे पलंग, दरी, चटाई आदि पर लिटाकर कंबल ओढ़ा दें, परंतु उसका मुंह न ढके। देखिए बच्चों, कहा कि अगर आपका सर्दी के मौसम में अगर करंट लगा है किसी पीड़ित किसी व्यक्ति को, अगर सर्दी के मौसम में करंट लगा है बच्चों, तो उसे कंबल, दरी आदि चीजों को ओढ़ा दें, उससे उसके तन को ढक दें, लेकिन उसके मुंह को या चेहरे को न ढकें, जिससे कि वो सांस को अच्छे तरीके से ले सके। अब आपका है कृत्रिम श्वास क्रिया बच्चों, कृत्रिम श्वास क्रिया। कृत्रिम श्वास क्रिया यानी किस किस विधि से हम श्वास दे सकते हैं बच्चों, तो पहला इसमें है सिल्वेस्टर विधि। पहला आपका इसमें है बच्चों सिल्वेस्टर विधि नंबर ए। सिल्वेस्टर विधि, सिल्वेस्टर विधि बच्चों है पहला इसमें। क्या इस विधि में पीड़ित को पीठ के बल लिटाया जाता है, उसकी पीठ के नीचे तकिया लगा दिया जाता है, जिससे कि उसका सीना कुछ ऊपर हो जाता है और सिर कुछ नीचा हो जाता है। यह विधि तब प्रयोग की जाती है जब पीड़ित के सीने की ओर छाले पड़े हों। सिल्वेस्टर विधि क्या बता रहा है बच्चों, क्या होता है कि जो पीड़ित है उसको आपको पीठ के बल लिटाना है और पीठ के नीचे तकिया लगाना है, जिससे कि पीठ का जो पोर्शन होता है वो उठ जाएगा, गर्दन का जो पोर्शन होगा बच्चों को नीचे हो जाएगा। और क्या ये विधि हम तब अपनाते हैं जब पीड़ित के सीने पर अगर छाला पड़ा हो। अब इसमें जो प्रथम स्थिति होती है फर्स्ट पोजीशन बच्चों का रहा है कि पीड़ित के सिर के पास अपने घुटनों के बल बैठ जाए, उसके दोनों हाथों की आधी मुट्ठी बांधकर हाथों को सीधा फैला दें। अब पीड़िता के हाथों को धीरे धीरे मोड़कर उसके सीने पर लाएं। इसमें जो पहला कर रहा है सबसे प्रथम स्थिति आपको करना क्या है, आप उसके सर की तरफ बैठ जाइए, जो पीड़ित है उसके सर की तरफ बैठ जाए। उसके बाद आपको धीरे धीरे उसके हाथों को मोड़कर उसके सीने के पास लाना, यानी सीने पे ऐसे रखना है बच्चों। फिर उसके बाद आपका द्वितीय स्थिति कर रहा है कि प्रथम स्थिति में अपने हाथों से पीड़ित के सीने पर कुछ दबाव डालें, दो तीन सेकंड बाद दबाव हटा लें और पीड़िता के हाथों को उसके सिर की ओर फैला दें और मुट्ठियां खोल दें। करा प्रथम स्थिति में अब आप जो किया उसके बाद आप अपने हाथों से पीड़िता के सीने पर कुछ दबाव दें, यानी उसके सीने को थोड़ा थोड़ा दाबें, और उसके बाद रहा है दो तीन सेकंड बाद दबाव हटा लें, यानी आप दो तीन सेकंड दबाव देने के बाद दबाव को हटा लें, दो तीन सेकंड धीरे धीरे आप उसके सीने को दाबें, ऐसे ऐसे उसके सीने को दबाव दें। और फिर कह रहा है कि पीड़िता का जो हाथ है, पीड़ित का जो हाथ है उसको उठा के
उसकी मुट्ठियां खोल दें और उसको उसके सिर के पास रख दें, हाथ को उठाकर उसके सिर के पास ले जाएं। नेक्स्ट आपका है बच्चों दूसरा इसमें सल्फर विधि। सल्फर विधि है बच्चों ये सिग्नेचर विधि। दूसरा इसमें बच्चों सल्फर विधि, सल्फर विधि, सल्फर विधि है बच्चों। इस विधि में पीड़िता को पेट के बल लिटाया जाता है और उसके सिर को किसी एक करवट कर दिया जाता है, पीड़ित के सीने के नीचे पतला तकिया रख दिया जाता है। यह विधि तब प्रयोग की जाती है जब पीड़ित को पीठ पर छाले हो। यानी बच्चों जो सैफर विधि है वो आपकी सिल्वेस्टर विधि का जस्ट अपोजिट है, उल्टा है। इस विधि में सिल्वेस्टर विधि में हम पीड़ित को पीठ के बल लिटाते हैं, सैफर विधि में हम पीड़ित को पेट के बल लिटाएंगे। और कह रहा है ये विधि तब हम प्रयोग करते हैं जब छाला पीड़ित के पीठ पर पड़ा हो। इसमें जो प्रथम स्थिति है बच्चों क्या करें, सबसे पहले प्रथम स्थिति करा पीड़ित के घुटनों के पास अपने घुटने के बल बैठ जाए, अपने दोनों हाथ पीड़ित के पीठ पर इस प्रकार रखें कि दोनों हाथ सीधे रहें और चारों उंगलियां आपस में मिली रहें और वे अंगूठे से संपूर्ण बने। कराए इसमें बच्चों कि पीड़ित को पीड़ित के घुटने के ऊपर आप क्या करें, पीड़ित का जो घुटना होगा वो उस पर बैठ जाए सबसे पहले और फिर अपने दोनों हाथ को पीड़ित के पीठ पर इस प्रकार से अपने हाथ को रखें, सीधे रखें कि जो आपका चारों उंगलियां है बच्चों वो और प्लस ऐसे जो होते हैं ये 90 अंश का बनाता है बच्चों। ये इस तरह से रख के उसको कराए जो उंगलियां हैं वो 90 अंश का कोण बनाए, संपूर्ण बनाए, संपूर्ण क्या 90 अंश का, तो उसको दबाव दें धीरे धीरे। द्वितीय स्थिति इसमें बताया कि आप इस तरह से करके धीरे धीरे उस पर आप दबाव दें, 4 सेकंड 5 सेकंड तक आप उसको धीरे धीरे दबाव दें और फिर हटा दें। नेक्स्ट आपका है बच्चों मुंह से मुंह हवा भरना। नेक्स्ट आपका है माउथ टू माउथ रीसियोसेशन कहते हैं बच्चों, रीसियोसेशन माउथ टू माउथ, मुंह से मुंह हवा भरना। ये विधि जो आपका है तीसरी विधि मुंह से मुंह हवा भरना, मुंह से मुंह हवा भरना। इस विधि में बच्चों आपने बहुत सारे मूवी या बहुत सारी कह सकते हैं कि जो सीरियल्स होते हैं उसमें देखे होंगे कि जो हवा आपका मतलब सांस जो है वो आपका मुंह से मुंह दिया जाता है। उसमें लोग पानी में डूब गए हैं निकालते हैं तो उनको मुंह से मुंह सांस देते हैं। यानी आपको करना क्या है इस विधि में, आपको अपने मुंह से जो पीड़ित व्यक्ति है उस व्यक्ति को मुंह में धीरे धीरे फूंकना है। उस मुंह के अगर ये विधि तब प्रयोग की जाती है बच्चों जब पीड़ित व्यक्ति सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो, यानी पीड़ित व्यक्ति की जो सांस लेने की प्रक्रिया है वो बहुत स्लो हो गई है, तब हम इस विधि का प्रयोग करते हैं मुंह से मुंह सांस देना। यानी जब पीड़ित को सांस लेने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो तब हम मुंह से मुंह सांस देते हैं बच्चों। तो आज के लिए आप लोगों को इतना ही बताते हैं। अगला टॉपिक इसमें अग्निशमन है बच्चों, सुरक्षा सावधानियां में ही हम अगले वीडियो में बताएंगे। आप लोग तब तक इस वीडियो को देखें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और देखते रहें आप हरिंद्र गुरुजी चैनल।